हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी बाय अमनिसाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 51 तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, टीनोफोरास आर टीनोफोरा हैं, जिसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए हर्माफ्रोडाइट। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑटोगैमी आकर्ष इन, ऑटोगैमी होती है सिर्फ, तो ऑटोगैमी सिर्फ होती है पैरामीशियम आरिलिया में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम आरिलिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज एक्सक्लूसिवली इंडो पैरासाइट, निम्न में प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग मुख्यतः अंतः परजीवी है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्लिनाटा। ऑप्लिनाटा इज अ क्लास, जबकि स्पोरोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं वो भी एक तरीके से इंडो पैरासाइट होते हैं, लेकिन ये स्पोरोजोआ फाइलम में सब फाइलम है और ऑप्लिनाटा क्लास है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस में, तो इसमें से एक ऑप्शन नंबर सी फ्रेश वाटर प्रोटोजोआंस। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्टेटोसिस्ट इज अ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन, स्टेटोसिस्ट संवेदी अंग है, पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेड्यूसा में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये ओबिलिया और आरेलिया, ओबिलिया के मेड्यूसा में और आरेलिया के मेड्यूसा में पाया जाता है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हिच इज कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, सी वॉलनट कहलाता है, तो सी वॉलनट कहलाता है टीनोफोर्स, टीनोफोर्स को काम जेली भी कहा जाता है, टीनोफोर्स को या टीनोफोरा को काम जेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, द फूड वैक्यूल मीडियम इन साइकान इज, साइकान के खाद्य धानियों का माध्यम होता है, तो इसमें फूड मटेरियल सबसे पहले एसिडिक और उसके बाद बेस एल्केलाइन, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एसिडिक देन एल्केलाइन। क्वेश्चन नंबर 59 है, द सेल सराउंडिंग द आस्कुलम इन स्पंज इज, स्पंजों में आस्कुलम किस कोशिकाओं से घिरा रहता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी मायोसाइट के द्वारा ये घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पंज, निम्न में कौन एक अलवण जल में पाया जाने वाला स्पंज है, तो इस ए है स्पॉन्जिला, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्जिला। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन विच मैराइन स्पंज जेब्यूल्स फॉर्मेशन आकर्ष, किस समुद्री स्पंज में मुकुलकों का निर्माण होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी फाइकुलाइना, ऑप्शन नंबर सी फाइकुलाइना। क्वेश्चन नंबर 62 है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी टेनिया। क्वेश्चन नंबर 63 है, ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एनिमल्स इन हैविंग, एक स्पंज अन्य जंतुओं से भिन्न हो सकता है क्योंकि उसके पास स्पिक्यूल्स होते हैं, वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है, क्वेनोसाइट्स होती हैं, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 64 है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेज, स्पंजेज में शारीरिक संरचना होती है, तो इसमें होती है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी सेलुलर ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 65 है, लैडर टाइप नर्वस सिस्टम फाउंड इन, लैडर टाइप तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी प्लेटी हेलमेंथीज।
क्वेश्चन नंबर 66 है, द नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन पॉलिप ऑफ ओब्लिया इज, ओब्लिया पॉलिप में कितने टेंटिकल्स पाए जाते हैं? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए 16। न्यूट्रिटिव जॉइंट्स ऑफ ओब्लिया इज, ओब्लिया में पोषक जीवक होते हैं, तो इसमें सही होगा, इसमें हाइड्रेंथ को ही गेस्ट्रो जॉइंट्स कहा जाता है और उसी को ट्रोफोजॉइंट्स कहा जाता है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 68 है, फॉर अटैचमेंट फैसिला हैज, फैसिले के पास पकड़ बनाए रखने के लिए होते हैं, तो इसमें होते हैं टू सुकर्स, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी टू सकर्स। क्वेश्चन नंबर 69 है, आरेलिया बिलोंग्स टू ऑर्डर, आरेलिया किस गण का प्राणी है? तो आरेलिया सेमियोस्टोमी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेमियोस्टोमी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, लीवर फ्लूक बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास से लीवर फ्लूक बिलोंग करता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रीमेटोडा। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हिच इज नोन एज मशरूम कोरल, मशरूम कोरल किसे कहते हैं? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए फंजिया। क्वेश्चन नंबर 72 है, यूग्लिना इज ग्रीन कलर, व्हिच इज ड्यू टू, यूग्लिना हरे रंग का होता है क्योंकि, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमाइटोफोर। क्वेश्चन नंबर 73 है, नॉट फाउंड इन फैसिलो हेपेटिका, फैसिलो में नहीं पाया जाता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ई एनएस। क्वेश्चन नंबर 74 है, कोरलाइट इज एन, कोरलाइट एक है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी स्केलेटन ऑफ ए सॉलिटरी कोरल्स। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रेंगिंग रीफ इज यूजली लोकेटेड, झालदार भित्तियां सामान्यतः स्थित होती हैं, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए वेरी नियर द सोर। क्वेश्चन नंबर 76 है, पॉलीमॉर्फिज्म रीच इट्स पीक्स इन, किसमें बहुरूपता अत्यधिक उच्च कोट की होती है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोइडिया। क्वेश्चन नंबर 77 है, द फ्री मूविंग लार्वा फैसियोला, फैसियोला का स्वतंत्र लार्वा है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी मेटासर्केरिया। क्वेश्चन नंबर 78 है, द फंक्शन ऑफ नेक्टोसाइक्लेज इज इन आ सिलेंट्रेट कॉलोनी इज, एक सिलेंट्रेट कॉलोनी में नेक्टोकैलिसिस का कार्य क्या है? तो नेक्टोकैलिसिस का कार्य है लोकोमोशन का, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए लोकोमोशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 79 से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।